हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंटीजियस फाइल एलोकेशन की बात करी थी और हमने तीन मेथड्स देखी थी वहाँ पे। एक मेथड कंटीजियस एलोकेशन थी और बाकी की दो मेथड्स हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास अवेलेबल है फाइल एलोकेशन की, वो है लिंक्ड एलोकेशन। बेसिकली लिंक्ड एलोकेशन ने कंटीजियस एलोकेशन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और यहाँ पर हर फाइल लिंक्ड के फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है और जब इनका कनेक्शन होता है तो ये डिस्क ब्लॉक्स जो हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे डिस्क ब्लॉक एक के बाद एक ही होंगे, ये डिस्क ब्लॉक्स जो हैं कहीं पे भी हो सकते हैं हमारे डिस्क में, अलग अलग पोजीशंस पे। कंटीजियस होना इनके लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमको उसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो स्कैटर्ड रहते हैं। तो डायरेक्टरी के, एक डायरेक्टरी होती है हमारे पास, उसके पास फर्स्ट और लास्ट ब्लॉक का एड्रेस होता है हमारे पास। मैं आपको डायग्राम में बता देती हूँ, ये देखिए ये ऐसे स्कैटर्ड है हमारे ब्लॉक्स जहाँ पर हमने फाइल का एलोकेशन किया है। कौन सा ब्लॉक नंबर 1 लिया है, ब्लॉक नंबर 9 लिया है, ब्लॉक नंबर 10 लिया है, ब्लॉक नंबर 16 लिया है, ब्लॉक नंबर 25 लिया है। तो ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो बता दिया हमने डायरेक्टरी में, नंबर 9 से हो रहा है स्टार्ट और एंड कहाँ हो रहा है 25 पे। तो देखिए सबसे पहले हम 9 पे पहुँच गए, 9 से हमारा जो ब्लॉक गया 16 पे, 16 से गया 1 पे, 1 से गया 10 पे और 10 से गया 25 पे, और यही हमारा क्या है, एंड ब्लॉक है। ठीक है, तो लिंक्ड एलोकेशन ने हमको क्या कर दिया है, सारे ब्लॉक्स को स्कैटर्ड है, उनका एड्रेस कुछ भी हो सकता है और उनको लिंक लिस्ट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करवा दिया है। और अगर हम कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं तो इसकी एंट्री भी डायरेक्टरी टेबल में ही करते हैं। हर डिस्क ब्लॉक किसी दूसरे डिस्क ब्लॉक से पॉइंटर के थ्रू कनेक्ट रहता है और इनिशियली ये पॉइंटर नल होते हैं, जिससे हम ये पता चल जाता है कि फाइल जो है वो अभी हमारे पास एम्प्टी है, उसमें कोई भी आगे लिंक लिस्ट के थ्रू कोई अदर ब्लॉक जो है वो कनेक्ट नहीं है। और साथ ही साथ हमें फाइल की साइज भी पता चल जाती है कि वो ज़ीरो है, तो हम उसको डायरेक्टरी में फाइल की साइज़ को ज़ीरो सेट कर देते हैं। और लिंक लिस्ट के साथ कोई भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हम वही ब्लॉक को कनेक्ट करते हैं जिस ब्लॉक में ऑलरेडी फाइल का एलोकेशन हुआ है, तो हमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का भी प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ता है। और हम फाइल की साइज़ भी डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फाइल की साइज़ ग्रो श्रिंक कर सकती है डायनेमिक टाइम पे और यूज़र अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी उसे बड़ा और कम कर सकता है। अब बट लिंक लिस्ट की एक प्रॉब्लम है कि ये इफ़ेक्टिवली वर्क करती है अगर फाइल्स की सिक्वेंशियल एक्सेस करना हो तो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें आयत ब्लॉक की एक्सेस करना है तो भी हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट से। देखिए मेरे को क्या पता है, बस फर्स्ट स्टार्टिंग एड्रेस और एंड एड्रेस। अब अगर मुझे ब्लॉक नंबर 16 को एक्सेस करना है या ब्लॉक नंबर 1 को एक्सेस करना है तो मुझे स्टार्ट तो कहाँ से करना पड़ेगा, 9 से। 9 से ही मैं 16 पे पहुँच पाऊँगी या फिर 9 के थ्रू मैं 16 पे पहुँचूँगी और 16 के थ्रू मैं 1 पे पहुँचूँगी। मतलब आयत ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए मेरे ब्लॉक्स स्कैटर्ड है, वो आपस में कनेक्टेड है, बट अगर मुझे आयत ब्लॉक को एक्सेस करना है तो भी हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फर्स्ट एड्रेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ये डायरेक्ट एक्सेस के लिए इनफिशियंट है मेथड। और अनदर डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो भी हम पॉइंटर्स का यूज़ कर रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं स्पेस देनी पड़ेगी, जो एक दूसरे से कनेक्शन हमने प्रोवाइड किया इन्हें भी कहीं ना कहीं स्पेस देनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं स्पेस यूज़ कर ही रहे होंगे, वो भी स्पेस लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंटर को 4 बाइट रिक्वायर्ड है और डिस्क स्पेस 512 बाइट्स ब्लॉक का है, देन 0.78% स्पेस डिस्क की जो है वो पॉइंटर कंज्यूम कर लेंगे। इन सब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन एक ही है कि हम इन सारे ब्लॉक्स को कलेक्ट करें और एक क्लस्टर बना दें, और फिर हम, मतलब मैंने इस पूरी डिस्क जैसी एक डिस्क को ले ली और इन सारे ब्लॉक्स कौन से जो कि एलोकेटेड है उन सबको एक तरफ सेव करवा दिया, मतलब उन सबको एक कंटीजियस फैशन में सेव करवा दिया, और ये जो बीच बीच में फ्री स्पेस वाले ब्लॉक्स हैं इनको एक तरफ मैंने एक तरफ सेव करवा दिया है। ठीक है, इन सबको कहाँ कॉपी किया, दूसरे डिस्क ब्लॉक में, और सारे जितने भी फिल्ड फाइल्स थी, कौन कौन सी, ब्लॉक नंबर 9, ब्लॉक नंबर 16, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 10, ब्लॉक नंबर 25, इन सबको मैंने एक साथ एक अलग एरिया में सेव करवा दिया है, यहीं पे समझ लीजिए इन दोनों रो में, और जितने भी खाली ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको फ्री ब्लॉक्स वो सारे यहाँ पे नीचे वाले एरिया में हमारे पास अवेलेबल करवा देते हैं। तो एक ही सॉल्यूशन है, बट ये सॉल्यूशन भी कैसा है, हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव है। तो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है वो है इंडेक्स एलोकेशन। इंडेक्स एलोकेशन बेसिकली लिंक्ड एलोकेशन ने एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और साइज एलोकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था, जो कि कंटीन्यूअस एलोकेशन में आई थी। इसके बाद हमने लिंक्ड देखा, तो लिंक ने बात कही कि जिसमें पॉइंटर को मेंटेन करना पड़ता था
और इसके थ्रू हमें स्कैटर्ड ब्लॉक को भी सिक्वेंशियली ही एक्सेस करना पड़ रहा था. सो इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्व करने के लिए इंडेक्स एलोकेशन यूज़ करेंगे. और इस टाइप के एलोकेशन में सारे पॉइंटर्स एक ही लोकेशन पर रहते हैं, जिससे इंडेक्स ब्लॉक कहते हैं. सारे पॉइंटर्स कहाँ रहेंगे? एक सिंगल लोकेशन पर. मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ उसका कैसा रहेगा. ऐसा देखिए, सारे पॉइंटर्स कहाँ हैं? सिंगल लोकेशन पर. वो क्या है, कहाँ पर है? 19th ब्लॉक में हमने रख दिया है. इसमें हर फाइल का अपना एक इंडेक्स ब्लॉक होगा, जिसमें डिस्क ब्लॉक एड्रेस का एरे होगा. अब देखिए, हमारे पास एक एरे अवेलेबल हो गया. इंडेक्स ब्लॉक में जो आयथ एंट्री है वो पॉइंट आउट करेगा फाइल के आयथ ब्लॉक को. कैसे? ये देखिए, इंडेक्स ब्लॉक में आयथ एंट्री कौन सी है? 217. 217 ने बोल दिया कि मेरे को तो कहाँ जाना है नेक्स्ट? 618 पे. तो हम 618 की एंट्री इस तरफ ढूंढी तो कहाँ मिल गई? ये थी. 618 ने बोला कि मुझे तो कहाँ जाना है? 339 पे. तो हम 339 में गए और वहाँ पे मुझे कोई भी फर्दर एंट्री नहीं है, मतलब ये मेरा कौन सा है? लास्ट ब्लॉक है. ठीक है, तो इस तरह हमने हमारी डायरेक्टरी को मेंटेन करके रख लिया है. ठीक, अब इंडेक्स एलोकेशन डायरेक्ट एक्सेस को सपोर्ट करता है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को भी नहीं होने देता है. इंडेक्स एलोकेशन में वेस्ट स्पेस जैसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पर हर फ्री ब्लॉक यूज़र की रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर देता है और दूसरे ब्लॉक के साथ मर्ज होकर हमें एक बड़ी स्पेस भी प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है. देखिए, जैसे 19th ब्लॉक जो है वो हमारा क्या है, हमने एक इंडेक्स बना दिया है कि सारे इंडेक्स कहाँ से होंगे 19th. तो 19th नहीं बताया. ये देखिए, 19th का मैग्नीफाइंग वर्जन ये है आपके पास अवेलेबल. ठीक है, 19th ब्लॉक में क्या है डेटा, तो ये है. कहाँ जाओ? सबसे पहले 9th पे जाओ, तो ये 9th का डायरेक्ट कनेक्शन दिया है. कहाँ जाओ? 16th पे जाओ, तो 16th का डायरेक्ट कनेक्शन दिया है. ये रहा 1, उसका डायरेक्ट कनेक्शन दिया है. ठीक है, अब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्ट 19th पे जाके उस ब्लॉक को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती हूँ, क्योंकि 19th के पास सबका डायरेक्ट कनेक्शन अवेलेबल है. तो जो कंटीजियस में और जो लिंक्ड में प्रॉब्लम आई थी, वो इंडेक्स ने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है. अब इसके थ्रू हम हमारे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को भी फेस नहीं करना पड़ेगा और हमें इस एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं देनी पड़ेगी. अब हम डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी भी कर सकते हैं हमारे ब्लॉक्स की. ठीक है, तो ये था फाइल एलोकेशन मेथड कंटीजियस. लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया है फिर लिंक्ड, देन लिंक की प्रॉब्लम को सॉल्व किया इंडेक्स एलोकेशन है. ओके, थैंक यू. अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए. थैंक यू.